इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद कुमार जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, फिरोजाबाद, सुमन प्रकाश, मिथिलेश, अनिल, राजेश, रिशु, रुचि, नितिन जैन, मुंबई, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका जैन, डॉक्टर नीरज, निखिल, सेजल जैन, पश्चिम विहार, दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन CMA, पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा, श्री पारसमल, इंद्रा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू जैन, बाकलीवाल परिवार, सूरत। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, एक छोटा सा बीज अपनी समग्र योग्यता को प्रकट कर लेता है, वट वृक्ष बन जाता है। एक पुद्गल का प्रदेश वे आकाश के एक प्रदेश में भी समा जाता है और अनेक प्रदेशों को भी घेरने में समर्थ होता है। कोई भी एक भव्य आत्मा एक नगोदिया शरीर में किंचित स्थान को घेरती है, क्योंकि एक शरीर में अनंत आत्मा भी समा सकती है। वही भव्य आत्मा असंख्यात आकाश के प्रदेशों को घेरती है, वही भव्य आत्मा लोक अलोक को जानने देखने में समर्थ सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाती है। भव्य शब्द का अर्थ होता है जो होने के योग्य है। क्या होने के योग्य है? सिद्ध होने के योग्य है, परमात्मा होने के योग्य है, संसार सागर से पार होने के योग्य है, वह भव्य है। जिसे सम्य दर्शन ज्ञान चार्थ को प्राप्त करने की योग्यता नहीं, वह अभव्य है। महानुभाव अभी मुनराज श्री श्रद्धांत जी महाराज बता रहे थे श्रद्धा के संबंध में, गुरु भक्ति के संबंध में अनेक सहारे लेने की आवश्यकता नहीं है, एक सहारा पर्याप्त है। किंतु है समर्थ हो, सम्यक हो, यथार्थ हो। छोटी सी नाव भी संसार सागर को, छोटी सी नाव जलाशय को, नदी सागर को पार करा देती है। भक्ति की छोटी सी नौका संसार सागर को पार कराने में समर्थ होती है। महानुभाव चित्त को शांति मिलती है कषायों के समन से। चित्त में शुद्धि है तो शांति है, वित्त का ढेर भी लगा दो तो शांति नहीं मिलती। वह वित्त तो तृष्णा को बढ़ाने वाला होता है। चाहे वैभव लाखों का हो या करोड़ों का, अरबों का या खरबों का, चित्त में शांति नहीं तो वह पुद्गल का ढेर है। चाहे सोने और चांदी के पहाड़ जैसी ढेर लगी हों, चाहे मूंगा मोती हीरा पन्ना बेडूर मणि आदि के पहाड़ जैसी ढेर लगी हों, पर चित्त में शांति नहीं तो वे रत्नों के पहाड़ भी शांति नहीं दे सकते। स्वयं के चित्त में शांति नहीं तो पूरा विश्व मिलकर के भी शांति नहीं दे सकता, और स्वयं के चित्त में शांति है तो बाहर के किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं। महानुभाव जब प्रभु परमात्मा के प्रति श्रद्धा की भावना जागृत होती है तो वह श्रद्धा फलीभूत होकर के उसी आत्मा को परमात्मा बना देती है। महाराज जी कह रहे कील के सहारे रहें तो वह व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त ना होगा।
दो पाठों के बीच में साबत बचाना कोई चलती चकिया देखकर दिया कबीरा रोए। चक्की को देखकर के कबीर जैसे संत महात्मा रोते हैं कि संसारी प्राणी संसार में कैसे पिस रही है, संसार की चक्की में पिस रही है, किंतु कमाल जैसा संत मुस्कराता है। इस संसार की चक्की में पड़े हुए भव्य जीव भी कुछ पिस रही और कुछ सुरक्षित भी हैं, जो कील के सहारे से हैं। चाहे चक्की दिन रात चलती रही, कील का सहारा न छोड़े तो उसका वाल वाका नहीं होता। चक्की चली तो चलंदी, तू काय को रोए, कील सहारे जो रहे बाल न वाका होए। महान भाव। एक आयुर्वेदाचार्य दीपावली के बाद कुछ जड़ी बूटियां लेने के लिए जंगल की ओर गया। अब उसका बेटा 12 साल का हो गया है, आज छुट्टी का दिन है। उसने कहा, पिताजी कहाँ जा रहे हो? जंगल के लिए जड़ी बूटी लेने के लिए। मैं भी आपके साथ चलूँगा। चलो ठीक है, तुम्हें भी जड़ी बूटियों का ज्ञान हो जाएगा, कौन सी जड़ी बूटी कैसे प्राप्त की जाती है, वृक्ष कैसा होता है, उसकी जड़ें कैसी, तना कैसे, पत्ते कैसे, पुष्प और फल कैसे, मैं जंगल में ये सब तुझे बता दूंगा। और भविष्य में पढ़ करके तू कुछ बन पाई या न बन पाई, कम से कम आयुर्वेद के संबंध में जानकारी प्राप्त कर लेगा तो लोगों को दूर करने में समर्थ हो जाएगा। और वह पिताजी के साथ चला गया। पिताजी 2-3 कपड़े 2-4 रस्सी ले गए थे कि जड़ी बूटी बीन करके लाएंगे तो कपड़ों में बांध करके चादर में बांध के ले आएंगे। उन्होंने बहुत सारी जड़ी बूटियाँ इकट्ठी की, इकट्ठी करते गए, किंतु उन्हें मालूम था कुछ जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं जो बाहर नहीं पाई जाती। पहाड़ के नीचे जो कंदरा है, जो नीचे तलहटी है, जहाँ गुप्त अंधेरा रहता है, वहाँ पर अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ मिलती हैं और वहाँ से मैं जड़ी बूटी लेकर के आता हूँ। बेटे से कहा कि तुम यहीं रहना, मैं रस्सी के ऊपर वाले पेड़ से बांध देता हूँ और रस्सी के सहारे नीचे खाई में उतर जाता हूँ। बेटे ने कहा, पिताजी मैं चला जाता हूँ, तुम छोटे हो अभी, तुम रहने दो। नहीं पिताजी, आप मुझे बताइए कैसी कैसी जड़ी बूटी लाना है। पिताजी ने 2-4 लकड़ी बताई कि इस प्रकार की लकड़ी ऐसी ऐसी, इसका पेड़ ऐसा होता है, नीचे बहुत सारी पेड़ है, बहुत बेशकीमती औषधि है, बहुत मूल्यवान औषधि है, लेकर के आ जाना। नीचे से लकड़ी इकट्ठी कर लेना, रस्सी में बांध देना, मैं रस्सी खींच लूँगा। रस्सी के सारे से बेटे को उस खाई में उतार दिया। बेटे ने बहुत सारी जड़ी बूटी इकट्ठी की, बीच बीच में पिताजी आवाज़ देते जाते थे, बेटा ठीक हो ना, बेटा ठीक हो ना, बेटा ठीक हो, डर तो नहीं लग रहा। वह बालक नीचे से कहता, पिताजी ठीक हूँ, कोई बात नहीं, ठीक हूँ। जब बहुत सारी जड़ी बूटियाँ इकट्ठी की, रस्सी में बांध दी, पिताजी ने जड़ी बूटियाँ ऊपर खींच ली, फिर रस्सी के सहारे से बेटे को भी ऊपर खींच लिया। बेटा जैसे ऊपर आया, पिताजी ने उसे अपने हृदय से लगा लिया। कहने लगे, बेटा वहाँ बहुत अंधेरा होगा, अंधेरी में सांप बिच्छू भी हो सकते हैं, कांटे कंकड़ कांच के टुकड़े आदि हो सकते हैं, तुझे वहाँ पर कोई डर नहीं लगा? उसने कहा, नहीं पिताजी, क्यों पापा, मुझे डर क्यों लगता, जब मेरी रस्सी आपके हाथ में है तो मुझे डर किस बात का। महान भाव। रस्सी पिताजी के हाथ में सौंप करके पुत्र जैसे निर्भीक हो जाता है, ऐसे ही भक्त संत श्रावक अपने जीवन की डोर भगवान के हाथों में सौंप देता है तो वह भी निर्भीक हो जाता है। डर उसे लगता है जो अपनी गाड़ी स्वयं चलाता है। अपनी गाड़ी का ड्राइवर उसे बना लीजिए जिस पर आपको विश्वास है, कुशल ड्राइवर है, तो जीवन में कभी डर लगेगा ही नहीं। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जब प्रभु परमात्मा के हाथों में जीवन की डोर सौंप देते हैं
तो जीवन में कभी हार तो होती ही नहीं, उपहार ही उपहार मिलते जाते हैं, जीवन में जीत ही जीत होती है, जहाँ देखो वहाँ मीत ही मीत मिलते। महानुभाव, ये रस्सी कौन सी है, ये पगडंडी कौन सी है जो आपको मंजिल तक पहुँचा सकती है। शिखर जी पर जाते हैं बहुत सारी पगडंडियाँ हैं और सभी पगडंडी नीचे उतर करके आती हैं। कोई भी पगडंडी का सारा ले लो, सीधे चले जाओ, बीच में टर्न ना करो, तो पगडंडी तुम्हें नीचे तक ला के छोड़ देगी। या नीचे से कोई पगडंडी आपने स्वीकार की, चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ, टॉप पर पहुंच जाओगे। महानुभाव, जो पगडंडियाँ वक्र होती हैं, चक्रावर्ती में होती हैं, गोल आकृति वाली, उनमें भटकने के चांस ज़्यादा रहते हैं। जो सीधी जाती है वह निस्संदेह हमारे आत्म स्वभाव तक, सिद्धालय तक, लक्ष्य तक, मंजिल तक पहुंचाने वाली होती है। प्रभु परमात्मा तक कौन सी पगडंडी सीधी जाती है? समीचीन श्रद्धा, भक्ति, समर्पण, विनय, ये पगडंडी है, ये प्रभु परमात्मा तक पहुंचाने वाली होती है। इसका प्रमाण क्या है कि हमारे चित्त में भगवान के प्रति भक्ति है। हम संसार के सभी पदार्थों से ज़्यादा भगवान को चाहते हैं, भगवान के प्रति हमारे चित्त में निस्सीम श्रद्धा है, अगाध स्नेह है। भगवान के प्रति हमारे अंदर में प्रकृष्ट विनय है, समर्पण है, पूज्यता का भाव है। कैसे माने? जो व्यक्ति संसार के वैभव को कम महत्व दे, भगवान को ज़्यादा महत्व दे, समझ लेना उसे भगवान को ज़्यादा चाहता है। विगत दिवस कुछ दिनों पहले जब यहाँ पर आए थे, आप लोगों ने मंदिर बनाने की बात रखी, हमने आपसे पूछा क्या वास्तव में आप मंदिर बनवाना चाहते हैं कि केवल चर्चा करना चाहते हैं? आपने कहा मंदिर बनाना है, संकल्प है, इतने साल से पड़ा हुआ है, ये पूरा करना है। और आपकी भावना प्रबल हुई, एक वेदी के साथ साथ पुनः ऊपर 27 वेदियों की बात और आई और पुनः उनके नाम भी आना प्रारंभ हुए। नीचे वाली वेदी पर एक मूलक जिनबिंब के साथ साथ 8 जिनबिंब स्थापना करने की बात आई और बातों ही बातों में कुछ ही सेकंडों में 8 नाम आ गए। ऊपर वाली 3 वेदियों पर मूल वेदी का नाम आर से जैसे ही लौटे तुरंत ही नाम आ गया कि वेदी हमारी ओर से हो जाए। आजू बाजू वाली वेदी के नाम, उसमें से एक वेदी का नाम आ गया, दूसरी वेदी के नाम 2 संभावित नाम आए थे, उसमें सभी फाइनल नहीं हुआ। देखते हैं कौन पुण्यात्मा वाजू वाली वेदी को प्राप्त करता है और मूल नजर की स्थापना करेगा उस वेदी के। इसके साथ साथ त्रकाल चौबीसी की बात भी आई और त्रकाल चौबीसी में भी कई नाम आए। महानुभाव, जीवन अनिश्चित है, न हम जानते हैं न आप जानते हैं, यह श्वास से चलने वाली जीवन की घड़ी कब बंद हो जाए। श्वास का सेल कभी भी डिस्चार्ज हो सकता है और ये घड़ी रुक सकती है, ये गाड़ी चलते चलते रुक सकती है। श्वास का डीजल पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो गाड़ी को धक्का दे के भी चलाया नहीं जा सकता। जब तक ये जीवन की घड़ी चल रही है, जब तक श्वास के पेट्रोल से ये गाड़ी चल रही है, तब तक कुछ ऐसा कर लेना चाहिए जिससे आगे जीवन मिले वह भी सुखद शांति में हो जाए। परिवार के लिए अनंत भवों में किया, पुत्रों के लिए अनंत जीव अनंत भवों से करते आ रहे हैं, ये मेरे बेटे के लिए हो जाएगा, ये मेरी बेटी के लिए हो जाएगा, ये मेरी पुत्र वधू के लिए हो जाएगा, ये पोते के लिए हो जाएगा, दादू 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 कहता है ले चल ये 50 लाख का फ्लैट तेरे नाम, चल ये चीज़ तेरे नाम, गाड़ी चाहिए गाड़ी ले ले। किंतु इन सब से मोह होने से पाप का ही बंद होता है। और आपने सोच लिया कि मैंने एक जन्म की स्थापना कर दी, त्रकाल चौबीसी के मूल भगवान, वर्तमान की चौबीसी वाले भगवान, चाहे आजू बाजू में खड़गासन भगवान,
या वेदी की स्थापना अपने दब से की है, उस पुण्य को संसार का कोई भी व्यक्ति आपसे छीन नहीं सकता। बाहर की वस्तुओं को, बाहर के पदार्थों को कोई भी छीन सकता है, किंतु पुण्य को कोई छीन नहीं सकता। आज यदि आपके पास नहीं भी है तो पुण्य कार्य की भावना भाने वाले व्यक्ति के पास कभी कमी नहीं आती। जैसे कई प्रसंग हैं जिन्होंने भावना भाई कि इस चौबीसी में या कहीं चौबीसी में एक दिन भी मेरे द्रव्य भी स्थापित हो जाए, हे भगवान मैं भी विराजमान करूं, उन्होंने भावना भाई तो एक नहीं तीन तीन जन्मियों की स्थापना करने वाले व्यक्ति आए। महानुभाव अभी यहाँ के समाज में कई महानुभाव बाकी रह गए, जो पहले कह रहे थे कि हमें भी पुण्य का अवसर प्राप्त हो, जिस जिनाले की डेली हम पूजा अर्चना करेंगे, यहाँ पर हम अपने परिवार के द्वारा जन्म स्थापना करेंगे, उस जन्म का दर्शन करके पूजा भक्ति वंदना करके क्या आनंद आएगा, क्या साथ से पुण्य का बंध होगा। यूँ तो अन्य क्षेत्रों के लिए जन्म हमने दिए हैं, तमिलनाडु में 24 शिव क्षेत्रों के जा रही हैं वहाँ के लिए जन्म दिए, या वॉलखेड़ा में जन्म स्थापना की, या कहीं सहसकोट जिनाले मनिया में बना या जामी बने वहाँ के लिए स्थापना की, वो अलग चीज है। किंतु जहाँ पर जिस जिनाले में आप नित्य नित्य आते हैं, आप अपने द्वारा स्थापित जिनमें का अभिषेक करेंगे, शांति धारा करेंगे, पूजन करेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा साक्षात परमात्मा बैठे हैं। महानुभाव अन्य भव में भी आपको जातिशन हो सकता है और आपको ये भान हो सकता है कि मैंने जिनमें की स्थापना की थी। उसका स्मरण करते ही यदि कोई जीव मिथ्यात्मा पहुँच भी गया होगा तो जातिशन स्मरण से अपने द्वारा शब्द जिनबिंब का स्मरण करके ही पुनः सम्यक को प्राप्त करता है, और सम्यक को प्राप्त करके अल्प भवों में मोक्ष को प्राप्त करता है। जैसा पहले भी आपको बताया था कि जिनबिंब की स्थापना करने वाला पुण्यात्मा महानुभाव अधिक से अधिक 7 या 8 भव तक ही संसार में रहता है, इसके बीच में ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो जो पुण्यात्मा महानुभाव अभी वंचित रह गई हैं, हमारी कमेटी वाली महानुभाव उनसे संपर्क कर लेंगे। हम सोचते ही पहले स्थानीय समाज को ही उत्कृष्ट पुण्य का अवसर प्राप्त हो, बाद में बाहर वाले व्यक्ति भी इस पुण्य कार्य में, पुण्य की महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए इच्छुक हैं, तत्पर हैं। तो महानुभाव आपके ये सभी कार्य संपन्न हों और आपका मंदिर ये जिनाले शीघ्र बन करके ये पूर्ण रूप ले और इसकी प्रतिष्ठा हो भव्य जीव, इसके निमित्त से शास्त्र पुण्य का अर्जन करें, यही हम आपके प्रति मंगल भावना भाते हैं। और इसी मंगल भावना के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विनोद कुमार जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद, सुमन प्रकाश मिथिलेश, अनिल राजेश, ऋषु रुचि, नितिन जैन मुंबई, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका जैन, डॉक्टर नीरज, निखिल सेजल जैन पश्चिम विहार दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन CMA, पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन सेक्टर 37 नोएडा, श्री पारस मल, इंद्रा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू जैन, बाकलीवाल परिवार सूरत।